हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाइटामिनस के बारे में वाइटमिनस के नेम्स वाइटामिनस के फंक्शन वाइटमिनस में डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं तो हम लोग इसमें टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज़ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन वैसे वाइटामिन जो होते हैं वो दो ग्रुप में क्लासीफाइड है द फर्स्ट वन इज़ वाटर सोल्यूबल वाइटामस एंड द सेकेंड वन इज़ फैट सोल्यूबल वाइटामस जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी द नाइन वाटरबल वाइटामिन आर मीन शियर यू कैन सी द फर्स्ट वन इज वाइटामिन बी वन कॉम्प्लेक्स बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व एंड द लास्ट वन इज वाइटामिन सी तो अब हम लोग पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन बी वन के बारे में यहाँ वाइटमिनस के नाम लिखे हुए हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव समथिंग 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 सो ऑन और यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं जैसे वाइटामिन बी वन का नाम है थायमिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेमिन ये सब याद करने का चीज़ है वाइटामिन बी थ्री का नाम है नाइसिन तो हम लोग फिर यहाँ पर लिखा हुआ उसका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ डिफिशेंसी सिम्टम्स तो हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ेंगे वाइटामिन बी वन के बारे में तो वाइटमिन बी वन इनका नाम है था इनका फंक्शन क्या इसेंशियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यू टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर में ये काम आते हैं वाइटामिन बी वन अगर हमारे बॉडी में वाइटामिन बी वन का डिफिशेंसी हो जाए तो उससे जो सिम्टम्स आएंगे उनको क्या बोलते हैं हम द फर्स्ट वन इज़ बेरी 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 में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है भूख नहीं लगेगा वीकनेस आ जाएगा लिम्स में पेन आ जाएगा ये हो जाता है बेरीबेरी के अंदर और जो अल्कोहल बहुत पीते जो अल्कोहलिक पर्सन है उनके अंदर ये दो सिंड्रोम्स आ जाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग वार्निक सिंड्रोम्स एंड कोरासॉक सिंड्रोम्स ये दोनों ही मेमोरी लॉस से रिलेटेड है जो कि थायमिन के डिफिशियंसी से होते हैं नाउ द सेकेंड वन इज वाइटामिन बी टू इसका नाम है राइबोफ्लेमिन इट हेल्प्स इन आर बी सीज प्रोडक्शन आर बी सी के प्रोडक्शन में वाइटामिन बी टू हेल्प करता है इसके डिफिशियंसी से होता है चिलोसिस। ठीक है हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी थ्री बी थ्री का नाम है नाइसिन या हम लोग इसको निकोटिन एसिड भी बोलते हैं इनका फंक्शन है इट एक्ट एज एन ए डी और एन ए डी पी इन टी सी ए साइकिल टी सी ए साइकिल में एन ए डी एंड एन ए डी पी की तरह एक्ट करते हैं विटामिन बी थ्री इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स में आ जाएंगे पहला नाउ द फोर्थ वन इज़ वाइटामिन बी फाइव इनका नाम है पेंटोथेनिक एसिड इनका फंक्शन क्या है ये फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर इट फॉर्म्स को इंजाम ए इन टी सी ए साइकिल टी सी ए साइकिल में को ए इनके हेल्प से बनता है इनमें अगर डिफिशियंसी हो जाए हमारे बॉडी में अगर वाइटामिन बी फ़ाइव का डिफिशियंसी हो जाए तो ये डर्माइटिस करवाएगा ये ग्रोथ को रिटार्ट करवा देगा लॉस ऑफ हेयर भी इसी के कारण होता है वाइटामिन बी सिक्स के बारे में जिसका नाम है पैरिटॉक्सिन इसका फंक्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अगर हमारे बॉडी में बी सिक्स का डिफिशियंसी हो जाए तो डरमेटिस कराएगा अनिमिया एंड कन्फ्यूजन डरमेटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन अनिमिया मतलब क्या इन नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल एंड कलमूज मतलब क्या सडन अटैक सडन वायलेंट अटैक दैट यू कैन नॉट कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे वाइटामिन बी सेवन के बारे में जिसका नाम है बायोटीन इनका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म में इनके डिफिशंसी से पुअर ग्रोथ लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल एंड लॉस ऑफ एपीटाइट होता है हम लोग पढ़ेंगे वाइटामिन बी नाइन के बारे में जिसका नाम है फॉलिक एसिड इनका फंक्शन है एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आर बी सीज एंड इंक्रीजेज एपेटाइट इनके हमारे बॉडी में अगर इनका डिफिशेंसी हो जाए तो वो काउस कह देंगे मेगलो प्लास्टिक अनिमिया अब मेगलो प्लास्टिक अनीमिया होता क्या है इसमें हमारे जो आर बी सी होते हैं ना वो एब नॉर्मली लार्ज साइज के प्रोड्यूस होने लग जाते हैं जिनके कारण ये अनिमिया करवाता है जिसका नाम है मेगलो प्लास्टिक अनिमिया हम पढ़ेंगे वाइटामिन बी ट्वेल्व के बारे में जिसका नाम है साइनो कोबाला माइन इनका फंक्शन है आर बी के प्रोडक्शन में और डी का सिंथेसिस में इनका हेल्प है काम आता है ये इसका डिफिशियंसिस होता है परनीशियस अनिमिया परनीशियस अनिमिया मतलब कि जो आर है उसका साइज नॉर्मल नॉर्मल से भी छोटा हो जाएगा वो एब हो जाएगा वो तो हमें यही याद करना है कि वाइटामिन बी नाइन की डिफिशियंसी से मेगलो प्लास्टिक अनिमिया होता है वाइटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी से पर्नीशियस अनिमिया होता है ये याद करना है एंड द लास्ट वन इज़ वाइटमिन सी जिसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड इसका फंक्शन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इसके डिफिशेंसी से होता है स्कर्वी तो हमें इसमें तीन चार चीज़ याद रखना है पहला है कि वाइटमिनस उसके नाम उनके डिफिशंसी सिमटम्स क्या क्या हैं पढ़ेंगे फैट सोलबल वाइटामिन के बारे में फैट सोलबर वाइटामिन आर स्टोर्ड इन द लीवर फैटी टिश्यूज एंड मसल्स जो फैट सोलबल वाइटामिन होते हैं इनमें चार है वाइटामिन ए वाइटामिन डी वाइटामिन ई e एंड वाइटामिन के ए डी ई e, के ये फैट सॉल्बर वाइटामिन के अंदर आते हैं वाटर सोलबल वाइटमिनस के अंदर नौ थे जिसमें बी कॉम्प्लेक्स थे आठ और एक थे वाइटामिन सी अब फैट सोलबर वाइटामिन में आते हैं चार ए डी ई के अब हम लोग पढ़ेंगे वाइटामिन ए e के बारे में वाइटमिनी का नाम है रेटिनॉल इनका फंक्शन है क्या एसेंशियल रोल फॉर विजन ग्रोथ डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ठीक है इनका हमारे बॉडी में अगर वाइटमिनी का डिफिशेंसी हो तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है और जीरोपथेलमिया होता है जीरोपथेलमिया मतलब क्या होता है इनमें कॉर्निया ड्राई हो जाते हैं एब नॉर्मल ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया ऑफ द आई इज कॉल्ड जीरोपथेलमिया हम लोग पढ़ रहे हैं वाइटमिन डी के बारे में वाइटमिन डी को कैल्शियम कहते हैं इनका फंक्शन क्या है इट इंक्रीजेज कैल्शियम एब्जॉर्बन फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट एंड हेल्प कंट्रोल कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन कंट्रोल करेंगे और गैस्ट्रो इंटरटाइनल ट्रैक्ट में कैल्शियम का एबजॉर्पन को इंक्रीज करवाएंगे ये वाइटमिन डी का डिफिशेंसी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रेन में ऑस्ट्रियो होता है एडल्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे वाइटमिन ई e के बारे में वाइटामिन ई e का नाम है टोकोफेरॉल इसका फंक्शन है क्या एक्ट है इस गुड एंटी ऑक्सीडेंट एसेंशियल फॉर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शनिंग में वाइटामिन ई e का, का काम आता है और ये गुड एंटी भी है हमारे बॉडी में अगर इसका डिफिशेंसी हो जाए तो ये रिप्रोडक्टिव फेलियर कराता है अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाइटमिन के के बारे में जिनका नाम है फाइलोक्नॉन इनका फंक्शन इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग इनका डिफिशियंसी से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होता है जिसको ब्लीडिंग भी कहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हीमेरेज तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल वाइटामिनस हमें इनमें याद करना है वाइटामिन के नाम और डिफिशियंसी सिम्टम्स जैसे वाइटमिन ए इनका नाम है रेटिनॉल इनके डिफिशियंसी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस इस तरह वाइटामिन डी इनका नाम क्या है कैल्सिफेरॉल इनके डिफिशंसी से क्या होता है रिकेट्स तो आज हम लोगों ने दो कंप्लीट कर लिया वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल वाइटामस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो